दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफरबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर डवारसी अमरोहा की ट्रैक्टर मंडी की पड़ताल। लगातार दोस्तों हम इस ट्रैक्टर मंडी की पड़ताल कई भागों में आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रैक्टर मंडी में आप किस तरह से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और यहाँ के ट्रैक्टरों की क्या गारंटी वारंटी और क्या शिनाख्त होती है, इस ट्रैक्टर मंडी का संचालन करने वाले त्यागी भाई से हम आपकी बात कराएंगे। आप पूरा वीडियो देखें। जो साथी चैनल पर हमारे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर अमरोहा की डवारसी ट्रैक्टर मंडी की पड़ताल। भाइयों, डवारसी मंडी अमरोहा जनपद में लगती है, हसनपुर तहसील है। अमरोहा से 50 किलोमीटर आदमपुर हसनपुर सड़क मार्ग पर गांव डवारसी है। यहीं पर प्रत्येक सोमवार को ट्रैक्टर मंडी लगती है। हसनपुर से 20 किलोमीटर है, संभल से 23 किलोमीटर, गवां से 20 किलोमीटर, अनूप शहर से 35 किलोमीटर और बदायूं से लगभग 85 किलोमीटर। गांव है डवारसी, अमरोहा और संभल जनपद की सीमा पर। यहां इस मंडी में सभी प्रकार के ट्रैक्टर, चाहे आइसर हो, सोनालिका हो, महिंद्रा हो, मैशी हो और सभी प्रकार के छोटे बड़े और सभी मॉडलों के ट्रैक्टर उपलब्ध हो जाते हैं। नीले ट्रैक्टर की मंडी कहा जाता है इस मंडी को। अमरोहा जिले में यह दूसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर मंडी है। सैद नगली में भी सबसे बड़ी यूपी की ट्रैक्टर मंडी लगती है। इस ट्रैक्टर मंडी के संचालक से हम आपकी बात कराने जा रहे हैं। आप यहाँ किस तरह से शिनाख्त के साथ ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, पूरी पड़ताल आप देखें। पूरी मंडी की पड़ताल हम लगातार आपको 7 वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें पूरी डवारसी मंडी की पड़ताल 7 भागों में। तो दोस्तों, यह डवारसी मंडी का इंट्रो वीडियो है, आगे हम 7 भाग इसके दिखाने जा रहे हैं। आइए मंडी के संचालक से बात करते हैं। मैं यहाँ आज डवारसी की ट्रैक्टर मंडी में हूँ और प्रत्येक सोमवार को ये डवारसी में ट्रैक्टर मंडी लगती है। डवारसी हसनपुर तहसील में जनपद अमरोहा का यह गांव है और इस ट्रैक्टर मंडी का संचालन करने वाले त्यागी जी मेरे साथ मौजूद हैं। त्यागी जी से बात करते हैं इस ट्रैक्टर मंडी के बारे में, किस तरह से किसान भाई यहाँ विश्वास के साथ ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। तो त्यागी जी, ये जो आपका बाजार है वो कब से चल रहा है, लग रहा है? ये बाजार प्रत्येक सोमवार को सन 1997 से मेरे फादर युद्धवीर सिंह त्यागी, जो ब्लॉक प्रमुख रहे गंगेश्वरी, उनके संरक्षण में ये सन 1997 से लगना शुरू हुआ। अच्छा त्यागी जी, आपके पास यहाँ किन किन जिलों के ट्रैक्टर या किन किन इलाकों के ट्रैक्टर यहाँ आते हैं, खासतौर से कौन सा ट्रैक्टर आता है यहाँ? सभी प्रकार के ट्रैक्टर, हर मॉडल जी, और जो किसान पुराना बेच के नया खरीदना चाहता है वो पुराना अपना बेच लेता है, और कोई पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो किसान आकर उस ट्रैक्टर पसंद का जौन सा भी ऐसा सोनालिका, महिंद्रा और अन्य अन्य ट्रैक्टर, स्वराज वगैरह जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद के ले जाते हैं, और जो किसान बेचना चाहते हैं वो बेच के चले जाते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो एक ट्रैक्टर खरीदने में कितना खर्चा खरीदने वाले को देना पड़ता है या बेचने वाले को देना पड़ता है या दोनों को आधार देना पड़ता है, किसको खर्चा किसको देना पड़ता है? खर्चा ऐसा कुछ नहीं है, किसानों के लिए जो व्यवस्था है जी ये निःशुल्क ही है जी। जी जी। और फिर उसमें जो बीच के जो कर्मचारी होते हैं उनके आधार पर उनसे मामूली खर्चा ले लिया जाता है। कम से कम कितना एक ट्रैक्टर पर खरीदने वाले को कितना? ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से जो कोई आदमी आता है उसकी हम खर्चा ना लेके जी, और उसकी सुरक्षा और ठहरने की व्यवस्था भी करते हैं जी जी जी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा, त्याग जी, एक बार कुछ किसान भाई बाहर से ट्रैक्टर यहाँ खरीदने आते हैं, आपके यहाँ भी काफी दूर दूर से लोग आते हैं और ट्रैक्टर पसंद आ गया और उस समय उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि बयाना दे करके कुछ समय दे देते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये व्यवस्था, बयाना वो अपना दे के हम कागज, ट्रैक्टर और बयाना खड़ा कर लेते हैं, और उसे जो दिन जो जिस दिन भी उसे ले जाना होता है वो हमारे पास वादा करके जाता है कि फला दिन मैं आऊँगा और पेमेंट दे जाऊँगा और ट्रैक्टर अपना ले जाऊँगा। अच्छा त्यागी जी, ये जो आप कागज़ जो ट्रैक्टरों का ट्रांसफ़र भी कराने की व्यवस्था आप करा देते हैं, जैसे कि अमरोहा ज़िला है और उत्तर प्रदेश के कोई अन्य ज़िले से, दूर दराज से, कोई गोरखपुर से, लखनऊ से, बाराबंकी से या अलीगढ़ से या बुलंदशहर से, मेरठ से कोई ट्रैक्टर यहाँ खरीदना चाहे और वो ट्रैक्टर को अपने नाम कराना चाहे, तो कुछ इस तरह की भी आप सहयोग या सुविधा प्रदान करते हैं या ट्रांसफ़र कराते हैं? हम स्वयं किसान को ये जिम्मेदारी देते हैं जी कि कितने समय के अंदर आप ट्रांसफ़र करा लेंगे, क्योंकि हम जो देखते हैं, सर्च करते हैं, सब पेपर ट्रैक्टर के ऑनलाइन
ऑनलाइन ही सारा रिकॉर्ड ट्रैक्टर का होता है और जो फर्स्ट पार्टी ऑनर है उसका स्टाम्प यानी कि सेल लेटर का जो सेल लेटर होता है, सेल लेटर स्टाम्प और अन्य कागजात वो सारे कंप्लीट करके देख के तब हम जो है उसे उसकी बात करते हैं। अच्छा त्यागी जी, आजकल बाजारों में देखने में ये आ रहा है कि आजकल कोई लोग बाग जो हैं कुछ व्यापारी भी इस किसानों के साथ जुड़ गए हैं और इधर उधर से ट्रैक्टर ले आते हैं, तो इस बात की भी तस्दीक आप कर लेते हैं कि कोई ट्रैक्टर कहीं चोरी मोरी का नहीं है या कोई इधर उधर से लाया तो नहीं है, नंबर दो का ट्रैक्टर तो नहीं है, इसकी तस्दीक आप कर लेते हैं? सारा पहले समस्या आती थी जी जब नेट नहीं था, अब तो सारा ऑनलाइन है, सब कुछ पता चल जाता है उसका। और जो कहीं कोई संदिग्ध होता है, गड़बड़ करता है, तो चोर के तो पैर मतलब कच्चे होते, कमज़ोर होते हैं और छोटी सी कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाती है, कहीं उसने फर्जी कागज़ लगाया है तो या कुछ है तो वहाँ पता लग जाता है। यहाँ जो किसान का शोषण नहीं हो पाता, इसलिए हम सारे जो है व्यवस्था ऑनलाइन ही और सारी करके रखते हैं। कुल मिला के ये है कि कागज़ वगैरह की आप पूरी तस्दीक कर लेते हैं, तभी आप ट्रैक्टर को दूसरे किसान को बेचते हैं और किसानों को सुविधा भी मिल जाती है, बयाना के लिए एक दो दिन का समय भी 2-4-5 दिन का मिल जाता है। जी त्यागी जी, किस कोई खास जानकारी आपसे कोई हमारा ग्राहक जानना चाहे, कोई किसान भाई दूर दराज का जानना चाहे, तो किस नंबर पर आपसे संपर्क कर सकता है? आपका जो बाजार का नाम क्या है इसका जरा आपका शुभ नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम शिवियंत त्यागी जी, गाँव अमरोहा जिले में ढवारसी पड़ता है, तहसील हसनपुर, थाना आदमपुर के अंतर्गत और मेरा फोन नंबर है 97-58-00-80-86। शुक्रिया त्यागी जी आपका, धन्यवाद, नमस्कार। तो भाइयों, डवारसी गांव में त्यागी ट्रैक्टर बाजार के नाम से लगने वाली इस ट्रैक्टर मंडी की आपने पूरी जानकारी ली। किस तरह आप इस मंडी में पहुंच सकते हैं, क्या अता पता है इस मंडी में पहुंचने का, यह आप जो नक्शा देख रहे हैं यहां से आप समझ सकते हैं डवारसी मंडी का स्थान और आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को यहां सभी प्रकार के ट्रैक्टर मिलते हैं। आगे लगातार हम 7 भागों में मंडी की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं, कौन ट्रैक्टर किस रेट पर किस कंडीशन का यहां उपलब्ध हो सकता है, सभी विक्रेताओं के नंबर भी आपको बताएंगे प्रत्येक ट्रैक्टर के साथ में। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस ट्रैक्टर मंडी में जो भी किसान अपना ट्रैक्टर बेचने आते हैं उन सभी किसानों के नंबर भी हम आपको सुनवाएंगे और बताएंगे कि कौन सा ट्रैक्टर किस कीमत पर कितने रुपए में उपलब्ध हो सकता है। पूरी वीडियो देखें, 7 भाग लगातार एक के बाद एक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डवारसी मंडी की पड़ताल, रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ।